हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जानवी और आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, मेथी के देसी स्टाइल में लच्छा पराठा। अगर आपके घर पर बच्चे या बूढ़े हैं जिन्हें मेथी खाना पसंद नहीं है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। सभी मेथी खाना शुरू कर देंगे। आप इन पराठों को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इन्हें बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो चलिए आज देसी स्टाइल में मेथी के लच्छा पराठा की रेसिपी को शुरू करते हैं। देसी स्टाइल मेथी के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 15 से 20 हरी मिर्च, जिसकी हमें चटनी बनानी है और पराठे में भी इस्तेमाल करना है। एक बड़े लहसुन की कलियां निकाली हुई, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, दो कटोरी गेहूं का आटा, एक छोटी कटोरी बेसन, एक छोटी कटोरी ज्वार का आटा और मेथी दो कटोरी। सबसे पहले हमें बनाना है मिर्ची की चटनी, जिसे महाराष्ट्र में ठेचा कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 से 3 चीजों की ही जरूरत होती है। 8 से 10 हरी मिर्च, एक चम्मच जीरा और लहसुन की 10-12 कलियां। हमें इसे मिक्सी में नहीं खलबत्ते में कूटना है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो हम इसे इस तरह हाथों से कूटेंगे, इसे ज्यादा बारीक नहीं करना, दरदरा ही रखना है। हमारी मिर्ची की चटनी यानी ठेचा रेडी हो चुका है, इसे रखते हैं साइड में। अब शुरू करते हैं आटा गूंथना। पहले गेहूं के आटे को लेंगे, उसमें डालेंगे बेसन का आटा, ज्वार का आटा और मिर्ची की चटनी यानी ठेचा। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद का बादशाह नमक। इस मिश्रण को हम करेंगे मिक्स। इसमें डालेंगे पानी। आटा जब भी आप गूंदो तो ध्यान रखो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अगर आप एक साथ पानी डालोगे तो हो सकता है मेथी का जो आटा है वो आपका बहुत ढीला हो सकता है, तो आपको पराठे बेलते वक्त दिक्कत होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना आपको चाहिए उतना पानी डालें और आटा गूंदे। हमें इस आटे की कंसिस्टेंसी हार्ड ही रखनी है, इसीलिए आटे को ज्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर से आटे को थोड़ा सा गूंदें। हम इस आटे को 8 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम बनाते हैं मूंगफली के दानों की चटनी। मूंगफली के दानों को हमने तवे पर भून लिया है और साथ में 8 से 10 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां, एक चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार और हरा धनिया। पहले हम हरी मिर्च भूनेंगे और फिर हरी मिर्च, मूंगफली के दाने, लहसुन, जीरा, नमक, हरा धनिया, इन सबको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो लीजिए, हमारी मूंगफली की चटनी भी फटाफट बनकर तैयार हो चुकी है। अब बनाते हैं पराठा। आटे को लेकर गोल करेंगे, उसे तेल लगाएंगे, हाथों से कॉर्नर दबाएंगे, थोड़ा आटा लगाकर चपाती की तरह बेलेंगे। मेथी की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लोवरी टेक्सचर आता है, जो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इस पराठे को डालेंगे तवे पर और उसे सेकेंगे, उसे पलटेंगे ताकि वह जल ना जाए। और अब हम इस पर लगाएंगे ऑयल, जिसकी वजह से हमारा पराठा बहुत ही अच्छा गोल्डन दिखेगा। अब इसे पलटेंगे और दूसरी साइड में भी तेल लगाएंगे। एक बार इसे पलटेंगे
देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा मेथी का पराठा। इसमें बहुत ही क्रंचीनेस आया है जो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए बटर, प्याज, टमाटर और चटनी के साथ, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई स्पेशल पराठा जैसे गोभी पराठा, मूली पराठा या आलू पराठा बनाओ तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, वो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। आज की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताएं। अगर आपको मेरी आज की मेथी पराठा की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज आपके लिए लाती रहूंगी। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।